हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करूछि। फ्रेंड्स, आमर जीवन रे प्रत्येक कार्यकलाप आमर वास्तु उपरे मध्य प्रभाव पड़ी थाए। आमर रहिबा, खाइबा, पीबा, आमर विचार आचरण जेउ प्रकार रो होई थाए सेही प्रकार प्रभाव आमर जीवन उपरे पड़ी थाए। आमर व्यवहार द्वारा आमर जीवन प्रभावित होई थाए। वास्तुशास्त्रर किछि नियम पालन करिबा आमर दैनिक जीवन रे बहुत महत्वपूर्ण होइथाय। जेपरि प्रतिदिन स्नान करिबा, ठीक समय रे भोजन करिबा, प्रत्येक काम समय अनुसार करिबा, ठीक समय रे सोइबा एवं उठिबा मध्य आम पाइँ बहुत जरूरी होइथाय। एहा आम स्वास्थ्य दृष्टि रु मध्य भल होइथाय। ता सहित आम शास्त्र रे मध्य एही सबु नियम पालन करिबा उचित एवं उत्तम बोले माना जाय। भल निद आम पाई बहुत जरूरी अटे। एहा द्वारा आम मन मस्तिष्क को आराम मिलिबा सहित शांति मध्य मिले। आमर वास्तुशास्त्र रे मध्य सोइबा एवं निद सह संपर्कित केते गुड़िए नियम कुहा जायछि। जेपरि आमको केऊ समय रे सोइबा दरकार एवं केऊ समय रे सोइबा अनुचित, किपरि सोइबा, केऊ दिग को पाद रखी सोइबा, सोइबा समय रे आमर मुंड केऊ दिग को रहिबा उचित इत्यादि विषय एवं आमे केते डेरी पर्यंत सुअंती एहा मध्य वास्तुशास्त्र रे कुहा जायछि। ए सबुर सीधा प्रभाव आमर आर्थिक एवं पारिवारिक जीवन सहित जड़ित होइथाय। खास करी घरर महिलांकु एही नियमर पालन करिबा उचित। फ्रेंड्स, आज मु आपनकु सोइबा संबंधित किछि कथाकु विस्तार रूपे कहिबी। जदि आमर सोइबार ढंग भूल, आमे कोनोसी नियमकु अनदेखा करूछंती किंबा आमे एपरी किछि भूल करूछंती जहाँ कारणरु आमको समस्या सामना करिबाकु पड़ुछि, तो ताहाकु आमे शीघ्र सुधारी पारिबा, जहाँ द्वारा आमर जीवन मध्य सुखमय होई पारिबो। तो चालंतु जानी नेबा वास्तुशास्त्र अनुसारे महिलांकु सोइबा समय रे केउं कथार ध्यान रखिबा आवश्यक। प्रथम कथा, सर्वप्रथमे कथा एहा जानी रखंतु, शास्त्र अनुसारे परिवारर मुख्यकर्ताक शयन कक्ष सबुबेले दक्षिण पश्चिम दिगरे रहिबा उचित, जहाकु नैरत दिग मध्य कुहा जाय। एही दिगरे शयन कक्ष हेबा द्वारा सेही व्यक्ति को व्यापाररे धन मिलिथाय। ता सहित परिवाररे प्रेम आदर सबुबेले बनि रहे। द्वितीय कथा, सोइबा समय रे आमर मुंड दक्षिण किंबा पूर्व दिग को रखिबा उचित। एहा स्वास्थ्य दृष्टि रु ठीक अटे। दक्षिण दिग को पाद करी भूल रे मध्य सुअंतु नाही, कारण एहा मृत्यु देवता जमंकर दिग अटे। एथिपाई दक्षिण दिग को पाद करी सोइबा द्वारा मानसिक चिंता बढ़िथाय। एहिपरि उत्तर दिग को मुंड करी सोइबा अनुचित। पूर्व दिगरे सूर्य देवता उदय हुअंती। सूर्य को आमर हिंदू धर्म रे पद नियम मानंती, एणु पूर्व दिग को पाद करी सोइबा अनुचित अटे। तृतीय कथा, घरर खुशी को बढ़ेबा घरर महिला मानक मुख्य भूमिका एथिरे थाए। घरर लोक भल संस्कार शिखिबा मध्य महिलांकु अधिका जणा थाए। एथिपाई विशेष रूपे महिलांकु निजर सोइबा उठिबा समय रे ध्यान रखिबा उचित। महिलांकु ठीक समय रे सोइबा एवं सकाळु उठिबा उचित। प्रत्येक दिन स्नान करी पूजा पाठ करिबा उचित। एहा द्वारा घरे खुशी सबुबेले रही थाए। घरर महिला सकाळे डेरी पर्यंत सोइबा द्वारा घरकु दुर्भाग्य आसी थाए, नकारात्मकता बढ़ी थाए, शारीरिक मानसिक चिंता मध्य बढ़ी थाए। स्वास्थ्यगत दृष्टि रे मध्य एहा भल नुहे। एथिपाई महिला माने निजे शीघ्र उठिबा उचित एवं घरर अन्य सदस्यंकु मध्य शीघ्र उठाइबा उचित। चतुर्थ कथा, आवश्यकता जदि नाही तेबे महिलांकु दिनरे सोइबा उचित नुहे। दिनरे सोइबा आरोग्य दृष्टिकोणरु भूल करी माना जाए। शरीर आउ मन आलस्यरे भरी जाए। एहार दुप्रभाव घरे समस्तंक उपरे पड़िथाय। घरर आर्थिक स्थिति उपरे मध्य एहार प्रभाव पड़िथाय। महिलांकु संध्या समय रे भूल रे मध्य सोइबा उचित नुहे। एहा द्वारा घरर लक्ष्मी चली जाते। पंचम कथा, घरर मुख्य किबा बड़ महिलांकु दक्षिण दिगरे सोइबा उचित, कारण दक्षिण दिगर प्रभाव सबुठू अधिका होइथाय। एथिपाई
दक्षिण दिगरे सोइबा द्वारा घरर मुख्य महिलांकर स्वभाव महत्व बनी रहे। षष्ठ कथा, शयन कक्ष रे पति पत्नी लड़े झगड़ा करिबा वास्तुशास्त्र रे बहुत अशुभ माना जाए। राहु केतु ग्रह झगड़ार कारण होइथांती, एही ग्रहर प्रभावरु बचिबा उचित। शास्त्र अनुसारे पत्नी को पतिंकर बाम पटे सोइबा उचित। सप्तम कथा, महिला को केबे मध्य निजर चुटी रे फूल किंबा गजरा किंबा सुगंधित तेल लगे सोइबा उचित नुहे, एहा खराब शक्ति को आकर्षण कला भली काम करिथांती, चुटी को बांधी के सोइबा उचित। अष्टम कथा, सोइबा अगरु निजर पाद को सफा करके सुवंतु, खटो उपरे बसी के खाइबा खांतु नाही। तो फ्रेंड्स, एहा तिला अमर सोइबा संबंधित किछि नियम जहाँ को विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र रूप से आधारित जहाँ को पालन करिबा अत्यंत जरूरी। फ्रेंड्स, भगवान श्रीकृष्ण को अनुसार पति एवं पत्नी को संपर्क एही संसार रे सबुठारु शक्तिशाली संपर्क अटे, ता सहित एही संपर्क को कमजोर मध्य कुहा जाए। जदि पति एवं पत्नी को वचन मन कर्म विचार संस्कार सहजरे मिली जाए तो एहीपरि संपर्क मजबूत अटे। जदि यार विपरीत माने एथिरु कोनोसी भी मिले नाही तो दुहिंक जीवन कष्ट होई जाए। पति एवं पत्नी को निजर वैवाहिक जीवन रे सबु धर्म वचन कर्तव्य को पूरा मनरु पालन करिबा उचित। दाम्पत्य जीवन रे केबे केबे कोनोसी कारण रु किंबा केबे बेले बेले बिना कारण रे मध्य मतभेद होई जाए, एहा सामान्य कथा अटे। एहा को पति एवं पत्नी दुहे मिसी समाधान करिबा उचित। कोनोसी अन्य व्यक्ति को निजर मामला रे शामिल करिबा उचित नुहे, एहा केते बड़ कथा होई थाउ ना काहेकि, कारण दुहे सात जन्म पई बंधन रे बंधा होई थांती। आपण दुहे दुहि को सहाय्य करिबा उचित। महाभारत अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर को किछि प्रश्न पचारिथिले, तो से ही प्रश्न मधुरु गोटे प्रश्न थिला कि ईश्वर पुरुषंक पई तयारी करितिबा उत्तम संपर्क कोन अटे। तो युधिष्ठिर उत्तर रे कहिथिले ना पति एवं पत्नी को मध्यरे मित्रतार संपर्क रहिबा उचित। जेमिति मित्र परे जणे जणक उपरे रागी जाइथांती एवं शीघ्र ही कथा होइथांती, कोनसी भी कारणरु दुहे अलगा हेबा उचित नुहे। से ही परि पति एवं पत्नी को भी मित्रता भावरे रहिबा दरकार। आपण माने बेले बेले देखिथिबे घरे किंबा समाज रे पति एवं पत्नी समस्तक सामना रे झगड़ा करिथांती एवं जणे जणक खराब बोली मध्य कहिथांती। पति एवं पत्नी दुहे अन्य आगरे सम्मान करिबा उचित, जेते भी राग रुसा मन रे थाउना काहेकि एहा को अन्य आगरे प्रकाश करिबा उचित नुहे, नचे दुहे दुहि कठारु दूरै जांती, ता सहित जीवन रे क्लेश नकारात्मक एवं दरिद्रता आसी थाए, कारण जेउठी क्लेश नकारात्मक सेठी अलक्ष्मी निवास करिथांती। जेउ महिला माने तांको स्वामी को पछरे खराब काम करिथांती किबा खराब कथा कहिथांती, एमिति महिलांक ठारु महालक्ष्मी चली जाइथांती। सेथिपाई महिला मानकु एही कथार खास ध्यान रखिबा उचित। पति एवं पत्नी दुहे दुहिंकु प्रति विश्वास रखिबा उचित। चरित्र एवं विश्वास काच भळी होइथांती, एहार जत्न रखिबा आवश्यक, जेपरि जत्नर सहित आमे काचकु रखिथांती। काचकु जेपरि छोटिया आघात लागिले ताहा भांगिरुजी चूरमार होइजाए, सेमिति चरित्ररे मध्य छोटिया आघात लागिले जीवन सारा संपर्क टूटी जाइथाय। सेथिपाई पति एवं पत्नी को भी निज चरित्र उपरे भरोसा एवं विश्वास रखिबा उचित। धोखा परि शब्द पति एवं पत्नी को संपर्क रे आसिबा उचित नुहे, एहा स्त्री किंबा पुरुषंकु पतन आडकु नै जाइथाय। तेणु पति एवं पत्नी को किछि भी कथा लुचेइबा उचित नुहे। पति एवं पत्नी दुहे गाड़ी चक सांसारिक गाड़ी पाई दुहिं को समान आवश्यकता अछि। प्रेम त्याग सम्मान दुहे दुहिं को करिबा उचित। पति एवं पत्नी दुहिं को आगो को जीवा पाई हेले एका सांगरे पाद मिसे चालिबा को हेबो। शास्त्र अनुसारे महिला को निजर पति बिना अन्य कोनसी पुरुष सहित गोटे जगार किंबा गोटे गाड़ी बसिबा उचित नुहे, एहा करिबा द्वारा सेही स्त्रीर चरित्र नष्ट होइ जाय एवं सेही परे मध्य झगड़ा बढ़ी थाए, तेणु एही कथार ध्यान रखिबा आवश्यक। शास्त्र अनुसार महिला को पति भोजन कर सारे ही भोजन करवा उचित। पति आगर भोजन करुवा स्त्रीर पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए, यही कारण घरे नकारात्मक बढ़ी थाए एवं घरे सुख शांति दूरे जाए। एथिपाई महालक्ष्मी कृपा पाइबापी हेले पति एवं पत्नी दुहे दुहिं को सम्मान करवा उचित।
जो महिला निज स्वामी भोजन करने भोजन करें माँ अन्नपूर्णा कृपा रही थाए दुहे दुहिंकर ध्यान रखा पति एवं पत्नी दुहिंपी यह आवश्यक अटे। तो फ्रेंड्स यह कि महत्वपूर्ण कथा जहाँ को पति एवं पत्नी दुहिं मन रखा आवश्यक।